इसमें कोई शक नहीं है कि 2010 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सलमान खान स्टारर दबंग रही और अब 2011 में नजरें टिकी हुई है सलमान खान की अगली फिल्म पर, जिससे बेशुमार उम्मीदें जुड़ी हैं। रेडी, यस, भूषण कुमार की अगली फिल्म रेडी। जाहिर है आफ्टर दबंग सलमान खान स्टारर फिल्म से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रहेंगी, पर क्या रेडी उन उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी? सुनने में आया है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इसके ऑल इंडिया और ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स 55 करोड़ में खरीदे हैं। जी हाँ, 55 crores। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा रिकवर करने के लिए इस फिल्म को तकरीबन 135 से 140 करोड़ का थिएट्रिकल बिजनेस करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, जब फिल्म 140 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस करेगी तो आफ्टर एंटरटेनमेंट टैक्सेस डिडक्टेड द नेट कलेक्शंस विल बी इन द रीजन ऑफ 105 टू 110 करोड़। ओनली देन द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी एबल टू रिकवर हिज शेयर ऑफ 55 करोड़ दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन द फिल्म। अगर पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो सिर्फ 5 फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है। गजनी, थ्री इडियट्स, दबंग, गोलमाल 3 और माय नेम इज खान। इसको देखकर तो फिल्म रेडी एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन लगता है, एंड इट श्योरली रेजेस द आईब्राउज कि क्या भूषण कुमार और इस फिल्म के ऑल इंडिया एंड ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स खरीदने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्राइसेस इन्फ्लेट किए हैं? हैव दीज प्राइसेस बीन एग्जैजरेटेड? वेल, कुछ इंडस्ट्री वालों का कहना है कि ये सच है, और ऐसा भूषण कुमार ने इसलिए किया है ताकि उनके डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने 55 करोड़ में ये फिल्म खरीदी है, जब वो डिफरेंट टेरिटरीज में रेडी बेचे तो ही कैन चार्ज मोर मनी एंड अर्न प्रॉफिट्स ऑन सेलिंग इटसेल्फ। पर क्या रेडी वाकई में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी? वेल, इसका जवाब देना मुश्किल है एट दिस स्टेज, क्योंकि अ लॉट विल डिपेंड ऑन व्हाट प्राइस दे पे फॉर देयर टेरिटरीज। एज फॉर नाउ, एक नजर डालते हैं रेडी से जुड़े लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड्स पर। रेडी बीइंग अ टी सीरीज प्रोडक्ट, सबसे पहले टी सीरीज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। 2008 में रिलीज हुई थी टी सीरीज की फिल्म कर्ज, स्टारिंग हिमेश रेशमिया। इस फिल्म ने कमाए ओनली 10.93 करोड़ रुपीज एट द बॉक्स ऑफिस, प्रूविंग इट टू बी अ डिजास्टर। फिर 2009 में रिलीज हुई रेडियो, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 90 लाख का बिजनेस किया। यस, ओनली 90 लाख्स। 2010 में रिलीज हुई थी कजरारे, और अगर लोगों की माने तो इस फिल्म के कलेक्शंस थे सिर्फ 600 रुपए। हाल ही में रिलीज हुई थी टी सीरीज की एक और फिल्म पटियाला हाउस, जो रही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। सो इस वीक प्रोडक्शन हाउस के ट्रेंड्स के मुताबिक चलें तो रेडी का हिट होना काफी कठिन लग रहा है। एक नजर इस फिल्म की हीरोइन के ऊपर। इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट स्टार कर रही है आसिन, जिनकी प्रीवियस फिल्म लंदन ड्रीम्स रही है बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप। इनफैक्ट सलमान और आसिन की जोड़ी को उस वक्त भी दर्शकों ने पसंद नहीं किया था। सो विल द ऑडियंस एक्सेप्ट द जोड़ी दिस टाइम? ओवर एंड अबव, कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि रेडी के डायरेक्टर है अनीस बाजमी, जिनकी प्रीवियस फिल्म नो प्रॉब्लम रही बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर, और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थैंक यू, ये फिल्म भी दर्शकों को नहीं लुभा पाई और बॉक्स ऑफिस पे रही अ फ्लॉप। Considering the above points, Reddy भले ही सलमान स्टारर हो, पर दबंग की इस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाना वाकई में काफी मुश्किल लग रहा है। Yes, दबंग was a blockbuster, पर ये फैक्ट भुलाया नहीं जा सकता कि उसके पीछे श्री अष्टविनायक और अरबाज खान का हाथ था। And not to forget अभिनव कश्यप की स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और लाजवाब डायरेक्शन। और दूसरी तरफ टी सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं रहा है। कैन द सक्सेस ऑफ दबंग बी डुप्लीकेटेड? वेल, ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं ऑन एन एवरेज सलमान खान की पिछली 5 फिल्में, यानी कि 2010 की वीर और दबंग, 2009 की वांटेड, लंदन ड्रीम्स और मैं और मिसेस खन्ना के मेजर टेरिटरीज में एवरेज नेट कलेक्शंस कितने रहे और एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर शेयर क्या रहा। एज यू कैन सी, सलमान खान की पिछली 5 फिल्मों ने मुंबई टेरिटरी में ऑन एन एवरेज 14 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर हुआ 7 करोड़। सिमिलरली दिल्ली यूपी टेरिटरी में 5 फिल्मों का एवरेज रहा तकरीबन 12 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर रहा 6 करोड़। सीपी बेरार का एवरेज रहा 3 करोड़ और इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर रहा 1.5 करोड़। इसी तरह सीआई टेरिटरी का एवरेज रहा 2 करोड़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर रहा 1 करोड़। एंड राजस्थान में सलमान की पिछली 5 फिल्मों का एवरेज रहा 3 करोड़, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर रहा 1.5 करोड़। वेल, वी होप दैट दिस गिव्स अ क्लियर picture to the distributors so that they can buy the rights for their territories wisely.
तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये डिसीजन टू स्पेंड 55 करोड़ रुपीस टू बाय द इंडिया एंड ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सही रहा है? आफ्टर ऑल हर फिल्म तो दबंग नहीं हो सकती ना। वेल, ये तो आने वाली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स ही बताएंगी जब फिल्म रिलीज होगी। एज फॉर नाउ वी विश ऑल द बेस्ट टू रेडी एंड होप इट डज वेल।